हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी फ्लेवर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है बैंगन का भरता। आप देख सकते हैं बैंगन का भरता दिखने में कितना यम्मी लग रहा है और इसे बनाना बहुत ही इजी होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं झटपट बैंगन का भरता बनाना। सबसे पहले हमें बड़े साइज़ का बैंगन लेना है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा बैंगन लिया है जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको बीच में से चीरा लगाऊंगी ये देखने के लिए कि बैंगन में कोई कीड़े तो नहीं है। आप ऐसे भी बिना चीरा लगाकर ऑयल लगाकर इसको भून सकते हैं, बट मैं चीरा लगाकर एक बार देख लेती हूँ कि इसमें कोई कीड़े तो नहीं है। ऐसे हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा चीरा लगा लेंगे तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़े है या नहीं है। देखिए हमें ऐसे दिख जाएगा इसमें कोई कीड़े नहीं है। अब मैं इसमें सरसों का ऑयल लगाऊंगी अच्छे से चारों तरफ से। सरसों का ऑयल लगाने से इसको भूनने के बाद जब हम बैंगन को अच्छे से भून लेंगे तो इसका जो छिलका है वो बहुत ही इजीली निकल जाता है। देखिए ऐसे हमें चारों तरफ से अच्छे से सरसों के ऑयल को लगा लेना है। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके अंदर भी लगाऊंगी जहाँ से मैंने कट किया है, क्योंकि वहाँ का भी स्किन वो जल जाएगा तो वो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। अब हमें बैंगन को भूनना है। भूनने के लिए मैं इसको गैस पर रखूँगी स्लो पर और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको टर्न करके अच्छे से भून लेंगे चारों तरफ से। ऐसे हमें भून लेना है बैंगन को। इसमें हमें 10 से 15 मिनट लग जाएगा। बैंगन भूनने के बाद अब हम इसको रखेंगे एक प्लेट पर और इसको ठंडा होने तक थोड़ा वेट करेंगे। जब तक बैंगन ठंडा हो रहा है चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। भरते की मसाले के लिए हमें चाहिए 4 से 5 हरी मिर्च, 2 बड़े प्याज और 2 बड़े टमाटर। इन सभी को हमें बारीक बारीक अच्छे से चॉप कर लेना है। आप चाहे तो चॉपर में चॉप कर लीजिए या बारीक बारीक कट कर लीजिए। इसके बाद हमें कढ़ाई को गरम करना है। उसमें हम ऑयल डालेंगे। मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों के ऑयल में भरता का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। सरसों का ऑयल गरम करने के बाद इसमें मैंने 1/2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसके बाद अब हम इसमें कटे हुए बारीक प्याज और हरी मिर्च डाल रहे हैं। डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। प्याज को हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम प्याज को। भरते के लिए जो हम मसाला बनाते हैं वो अच्छे से फ्राई होना चाहिए, तभी भरते का टेस्ट अच्छा आता है। प्याज को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हमें जल्दी प्याज पकाना है तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इससे प्याज थोड़ा जल्दी गल जाएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून नमक ऐड किया है और इसको हम चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाएगा। देखिए हमारा प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए बारीक टमाटर वो ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले को हम जितने अच्छे से फ्राई करेंगे सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। सब्ज़ी चाहे कोई भी हो, मसाला अच्छा से फ्राई होना चाहिए तभी सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल अच्छे से आता है। हमें भरते के लिए भी मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर हमारे गल गए हैं और अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून टर्मरिक और 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर। आप लाल मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन मसाले को भी हमें अच्छे से भून लेना है टमाटर प्याज के साथ। 2-4 मिनट लगेगा हमें ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हैं मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। 1-2 मिनट और हम फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी
थोड़े से बॉयल किए हुए मटर, आप चाहें तो मटर को स्किप कर सकते हैं, बट मेरे पास मटर थे तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़े से बॉयल किए हुए मटर। और इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेंगे। बैंगन के भरते में मटर डालने से बैंगन के भरते का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। भरते का मसाला रेडी है, चलिए चेक करते हैं बैंगन ठंडा हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं बैंगन ठंडा हो चुका है। अब हम इसका स्किन निकाल कर अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बैंगन को सरसों का ऑयल लगाकर भूना था तो कितनी इजीली इसका स्किन निकल रहा है और साफ़ तरीके से बहुत ही जल्दी निकल जा रहा है। हमें चारों तरफ से बैंगन का स्किन निकाल लेना है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जब बैंगन थोड़ा ठंडा हो जाए, छूने लायक हो जाए, तब आप इसका स्किन निकालना। हम ऐसे चारों तरफ से इसका स्किन निकाल लेंगे। चलिए साफ़ हो गया है। अब हमें इसका जो डंठल है इसको कट कर देना है नाइफ़ की हेल्प से। आप चाहे तो बैंगन को एक बार वॉश कर लीजिए, पर मैं इसको वॉश नहीं करूँगी क्योंकि इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो मुझे बहुत पसंद है। इसको वॉश करने से इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो निकल जाएगा। डंठल कट करने के बाद मैं एक बार और नाइफ़ की हेल्प से चेक कर लूँगी कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। आपने अगर बीच में से बिना चीरा लगाए इसको भूना था तो आप इस टाइम पे चेक कर सकते हैं ऐसे कि बैंगन में कोई कीड़े तो नहीं है। चलिए अब हमारा ये रेडी हो चुका है। हम इसको अब भुने हुए मसाले के साथ मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। भरते को हम जितनी अच्छे से मसाले के साथ फ्राई करेंगे भरते का टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और बैंगन के भरते में हम अगर मटर ऐड करें तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून से भी कम नमक ऐड किया है क्योंकि मैंने टमाटर प्याज भूनते हुए नमक ऑलरेडी ऐड किया हुआ था। चलिए आप देख सकते हैं भरता हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। भरता रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए धनिया पत्ता, जिसको हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। चलिए इसको सर्व करते हैं। आप भरते को गरम गरम रोटी या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।